नमस्कार, मैं उदय चौहान, फिर आज इन अपराधनामा की नई कड़ी के साथ। आज के खबरों का आगाज करेंगे हम उस एक दर्दनाक हादसे से जो 3 जिंदगियां लील गया। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में महिला समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आज दोपहर कमलापुर कस्बे के नहर चौराहे पर लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। बेकाबू ट्रक ने पहले टेम्पो में टक्कर मारी, फिर 2 बाइकों को रौंदता हुआ चला गया। हादसे में अशोक निवासी भगवतीपुर थाना खैराबाद, राम अवतार पुत्र बिहारी निवासी घासीपुर थाना खैराबाद, मनोज कुमार पुत्र अयोध्या निवासी पतारा कला, फरीदा पत्नी इंसान अली व मीना निवासी गढ़ सरौरा कला, शांति पत्नी शंभू निवासी भानपुर और 9 साल की रोहड़ी गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल अशोक, फरीदा और राम अवतार को पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही फरीदा ने रास्ते में दम तोड़ दिया। अशोक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि राम अवतार की हालत नाजुक देख उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी सांसें भी रास्ते में ही टूट गईं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर के मिश्री गुंदला मोर अटरिया के बाद अब रामपुर कला इलाके में जंगली जानवर की आमद से ग्रामीण दहशत में है। रविवार की देर रात रामपुर कला थाना क्षेत्र के सैर गांव निवासी राकेश की बकरी को किसी जंगली जानवर ने निवाला बना डाला। जंगली जानवर पग चिन्हों के निशान भी पाए गए हैं। वन दरोगा महमूदाबाद अरविंद कुमार यादव ने पग चिन्हों के आधार पर तेंदुआ होने की संभावना जताई है। ग्रामीणों को सचेत रहने की हिदायत वन विभाग द्वारा दी गई है। अटरिया थाना इलाके के मुराऊ खेड़ा में बेखौफ चोरों ने धावा बोलकर 2 घरों को निशाना बनाया। सबसे पहले कढ़ले के घर चोर पीछे से नकब लगाकर भीतर दाखिल हुए। चोर बक्से में रखी 10,000 की नकदी सहित कीमती सामान उठा ले गए। इसके बाद रणवीर यादव के घर में कमरे का ताला तोड़कर चोर गैस सिलेंडर सहित हजारों का सामान चोरी कर ले गए। पीड़ितों ने बताया कि अटरिया पुलिस को सूचना दी गई है। सदरपुर थाना क्षेत्र के बिसवा महमूदाबाद मार्ग पर कहारपुर के पास महमूदाबाद वन विभाग के फॉरेस्टर सुशील कुमार की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके ही स्टाफ के बलगर को भी काफ़ी चोटें आई हैं। घायलों को महमूदाबाद CHC में भर्ती कराया गया है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के बेहमा पिकेट से चंद कदमों की दूरी पर आर्यावर्त बैंक के पास ग्राम पंचायत रामपुर भुजंग के प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव की बाइक ऑटो लिफ्टरों ने पार कर दी। भुक्तभोगी ने थाने में तहरीर दे दी है। रेउसा थाना क्षेत्र के गढ़ी पुरवा मजरा खानपुर में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने भाई बहन को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घायल रोहित कुमार व उसकी बहन गुलाबवती को CHC में भर्ती कराया गया है। घायलों ने गिल्लू अखिलेश व बेला पुत्रगढ़ रामशरण पर पिटाई का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा जाँच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लहरपुर कोतवाली इलाके की भदवर चौकी के अंतर्गत मंझरी पासिन रमुआपुर आदि में विकास कार्यों की जांच के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत भदपर में पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग को लेकर गांव के ही अखिलेश कुमार पांडे व राम खिलौल पांडे ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र दिया था। जाँच अधिकारी उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा बनाए गए। जांच अधिकारी जब आज तीसरी बार गांव पहुंचे तो पूर्व प्रधान पद इस्माइल व उसका भाई इजराइल पाले उर्फ इस्लाम पुत्र इजराइल तथा पंचायत सेक्रेटरी ज्ञानेन ने विरोध करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे श्रीराम पुत्र चिरंजीव निवासी कारिंदा मसरी व संतराम पुत्र देवकी नंदन निवासी रमुआपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना थानगांव पुलिस ने चेकिंग के दौरान श्याम बिहारी पुत्र राम स्नेही निवासी सुजातपुर तथा संदना पुलिस ने वारंटी शेर बहादुर सिंह पुत्र रामबख्श सिंह निवासी बैसनपुरवा को 1-1 अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सभी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वारंटी गोबरे पुत्र मुन्ना निवासी नूरपुर तथा वारंटी राजेंद्र प्रसाद पुत्र रामनाथ निवासी गुलरामो को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। थाना तंबौर पुलिस ने अभियुक्त चुन्ना पुत्र अयूब निवासी नवाब शाहपुरा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 115 ग्राम अवैध नशीला पाउडर बरामद हुआ है। अभियुक्त एक सातिर अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो यह था हमारा आज का अपराधनामा। दर्शकों से अनुरोध है कि अपराधनामा को हम और बेहतर कैसे बनाएं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।